everything you do. गाइज ये ओप्पो का रेनो 7 है जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था चेक करने के लिए। इसका कैमरा, इसका जो डिज़ाइन है, जहाँ पे ओप्पो ने लिटरली सेगमेंट को किल कर रखा है। चाहे ओप्पो किसी भी प्राइस रेंज में स्मार्टफोन लॉन्च करे, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट और काफ़ी ज़्यादा कमाल का पैटर्न इन्होंने यूज़ करा है 2022 में एटलीस्ट। और इसी के साथ इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, क्योंकि इनका जो कलर ओएस है वो डे पर डे बहुत ही कमाल का होता जा रहा है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं बहुत सारे ब्रांड्स का आपस में। और वन प्लस ने कल अपना वन प्लस नोड CE2 5G लॉन्च करा है और वो भी इसका बिल्कुल जुड़वा भाई है, मतलब वही रिश्ता वही सोचने ही वाले। उससे पहले कि मैं इसका डिब्बा खोलूं, पूरा एकदम ओपनिंग सेरेमनी करूं और सब कुछ आपको दिखाऊं कि कैसे हैं इसके कैमरा सैंपल्स, कैसी है इसकी गेमिंग, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, उससे पहले मैंने एक चीज नोटिस करी है। रिसेंटली जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं उन पे आपका जो रिएक्शन है वो ओवर प्राइज। तो उसका रीजन मैं बताना चाहता हूं, अभी ग्लोबल चिप शॉर्टेज चल रहा है और कंपनीज के लिए डिमांड्स को बराबर करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और मार्केट का एक रूल है, जब भी डिमांड ज्यादा आती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइजेस ऑटोमेटिकली हाई चले जाते हैं, और अभी रिसेंटली वही सिनेरियो चल रहा है। तो ये है इस प्राइस हाइक के पीछे का रीजन। तो मेंटोस खाओ, दिमाग लगाओ और इस चीज को समझो। जब खा ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। और मेरे पास जो रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट है वो है 8GB 256GB। और क्रेजी बात ये है कि आपके पास भी जो आएगा वो यही आएगा, क्योंकि कंपनी ने एक ही स्टोरेज एंड रैम वेरिएंट में इसको निकाला है। और इसी के साथ आपको कलर्स काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं, तो ये वाले आपको कलर्स इसमें देखने को मिलते हैं। प्लस इसी के साथ इसकी जो बॉक्स प्राइस मेंशन है वो है 37,990 रुपीज। तो वैसे तो 29,000 रुपीज का है, लेकिन ऑफलाइन या ऑनलाइन से लोगे तो आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट्स देखने को मिल जाते हैं। प्लस मैं यहाँ पे बेंगलुरु जयनगर में ओप्पो के एक्सक्लूसिव शोरूम में हूँ, तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा डिस्काउंट ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप आसपास से हो तो यहाँ पे आके आप ओप्पो रेनो 7 सीरीज को चेकआउट कर सकते हो। तो इसका बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं क्या कुछ स्पेशल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले सेक्शन में आपको देखने को मिलता है इसका TPU केस, सिम इंजेक्टर टूल और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको दिखाएंगे कि कैसे इस फोन को आपको स्टार्ट करना है। और उसी के साथ आपको फोन देखने को मिलता है। और उसके बाद डाउन फ्लोर पे हम चलें तो ये 65 वोल्ट का सुपर वूक चार्जर, जो ओप्पो की मेन रेसिपी है और बहुत सारे को हमको पता है यूज करते हैं। और इसी के साथ आपको USB Type C केबल इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो इतना सारा माल मसाला आपको ओप्पो पैक करके देता है अपने बॉक्स में। और अब हम चलते हैं अपने मेन फोन के ऊपर। और सबसे पहले आपको हाथ में लेते ही जो चीज फील होगी वो है इसका लाइट वेट। 173 ग्राम का आपको ये देखने को मिलता है और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है। और इसी के साथ 7.8mm की थिकनेस पे आता है, मतलब ये तो ओप्पो की मेन USP बन चुकी है आजकल, तो इसके बारे में ज़्यादा बात क्या ही करना। मतलब आपको जितने भी ओप्पो के डिवाइसेस देखने को मिलेंगे वो इन टर्म्स ऑफ लुक्स मार्केट में सबसे बेस्ट होंगे। और इसी के साथ इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको ग्लास का देखने को मिलता है। नहीं, झूठ बोल दिया, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये बेसिकली आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है, पूरा का पूरा प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन है। साइड के जो बेजल्स हैं वो आपको प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं और बैक पैनल भी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ओप्पो रेनो 7 प्रो एंड 7 में आपको इन हैंड फील में ज्यादा डिफरेंसेस नजर नहीं आएंगे अगर वो आप बॉक्स की एजेस को छोड़ देते हो तो। भले ये प्लास्टिक है कि, लेकिन ये नॉर्मल यूजर को कभी फील नहीं होने देगा, क्योंकि ये बहुत ही क्वालिटी प्लास्टिक ओप्पो ने यहाँ पे यूज करा है। और ओप्पो इसको ओप्पो ग्लो डिजाइन बोलता है, और इसमें भी सेम LDI टेक्नोलॉजी का यूज होता है जो एविएशन सेक्टर में यूज होती है, और सेम डिजाइन ही आपको ओप्पो रेनो 7 प्रो में भी देखने को मिलता है और सेम टेक्नोलॉजी के साथ। फ्रंट साइड में जाते हैं तो आपको इतनी सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो प्री इंस्टॉल देखने को मिलते हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत बड़ा इशू है, बहुत सारे लोग, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि हवा बनाते हैं इस चीज की, लेकिन आपके पास डेफिनेटली अगर आप फोन सेटअप कर रहे हो तो 1 मिनट एक्स्ट्रा होगा, जिससे अगर आप जिन एप्लीकेशंस को यूज करते हो उनको रख सकते हो और जिसको नहीं यूज करते हो उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। मुझे प्रॉब्लम जैसे हॉट गेम्स जैसे टाइप की एप्स होती है ना, उनसे होती है जिनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। और बाकी सारी जो एप्लीकेशन है जिसको आप अनइंस्टॉल कर पाओगे अपनी सुविधा के अनुसार, कौन सी आपको यूज करनी है और कौन सी नहीं करनी है। फिजिकल ओवरव्यू की मैं आपसे बात करूं तो राइट साइड में आपको ये पावर लॉक अनलॉक बटन देखने को मिलता है, जिसमें ओप्पो का सिग्नेचर कलर आपको देखने को मिल जाएगा। और ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक है ऑब्वियसली। और लेफ्ट साइड में आपको ये सिम के लिए स्लॉट देखने को मिलता है, जहां पे आप अपनी 2 5G सिम प्लस 1 मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, और ये एक डेडिकेटेड स्लॉट है। प्लस वाटर से बचाने के लिए यहां पे आपको एक वाटर रेपेलेंट कोटिंग भी देखने को मिल जाती है, जो काफी हद तक वाटर से इसकी हेल्प करने वाली है। और इसी के साथ वॉल्यूम रोकर भी आपको देखने को मिल जाता है, और नीचे की साइड 3.5mm का जैक है। नॉर्मली इस प्राइस रेंज में 3.5mm का जैक नहीं आता है, और इसको हटाने का मेन मतलब यही था कि फोन के वेट को रिड्यूस किया जाए, फोन की थिकनेस को रिड्यूस किया जाए, और सब कुछ रिड्यूस करके भी 3.5mm जैक, ये तो कमाल की चीज है। और इसके साथ USB टाइप सी प्राइमरी माइक और आपको सिंगल स्पीकर इसमें देखने को मिलता है। और जब स्पीकर की बात आई गई है तो ये हमारा फेवरेट पार्ट है, तो चलिए इसको चेक कर लिया जाए कि कितने बेस्ट स्पीकर आपको इसमें देखने को मिलते हैं। Ero
को टाले तू झलक शर्फी श्रीवल्ली तक बर्फी। तो आपको सिंगल स्पीकर के हिसाब से काफी ज्यादा लाउड देखने को मिल जाता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर डाले जाते तो उसका कुछ मजा ही अलग रहता। और उसके बाद चलते हैं हम इसकी एक और मेन यूएसपी पे, और वो है इसका कैमरा। मुझे लगता है कि ओप्पो अपनी आधी R&D ना इन्हीं कैमरा को और ज्यादा स्टेब्लिश करने में लगाता है। और यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलता है। और एक फन फैक्ट बताता हूँ कि ओप्पो रेनो 7 प्रो जो है ना, वहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलता है। 64 का प्राइमरी है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। और इसी के साथ जो फ्रंट है वहां पे आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, और फ्रंट में आपको सोनी IMX613 सेंसर देखने को मिलेगा। मैंने इस फोन से काफी सारी फुटेजेस ली हैं जो आपको अलग अलग करके मैं दिखा रहा हूं, इनके बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि कैसी वाली फुटेजेस आपको इससे देखने को मिलती है और कितनी क्वालिटी रहती है। प्लस आपको वीडियोज में भी अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, तो ये एक काफी कमाल की चीज है। अगर मैं यहाँ पे अपना एक पर्सनल ओपिनियन ऐड करूं तो ओप्पो के जो एल्गोरिथम्स है वो जो क्लोजअप शॉट है उनमें डेफिनेटली झलकती है, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड है वहां पे आपको जो पिक्चर है वो थोड़ी सी सॉफ्ट नजर आएगी, क्योंकि 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड यहां पे देखने को मिल रहा है। और जो मैक्रो शॉट्स हैं वो बहुत ज्यादा लाइट्स में आप खींच रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज वो ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन जो प्राइमरी सेंसर है वो डेफिनेटली काफी कमाल की फोटोज ले सकता है। उसकी जो सेल्फीज हैं वो भी मुझे काफी कमाल की लगी, लेकिन यहां पे आपको फोन को बिल्कुल स्टेडी मोड में रखना पड़ेगा, आपका हाथ थोड़ा सा भी शेक करता है तो फोटो जो है ना वो खराब हो जाएगी, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। और उसके बाद बात करूं मैं इसके प्रोसेसर की, इसकी ताकत की, तो यहां पे आपको MediaTek Dimensity 900 देखने को मिल जाता है जो 13.5G बैंड के साथ आता है। कमाल की चीज बताता हूँ, जो Oppo Reno 7 Pro भी है ना वो भी आपको 10 बैंड के साथ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 13.5G बैंड देखने को मिल रहा है, मतलब एक ट्रू 5G फोन है ये। और इसी के साथ जो Dimensity 900 है ना वो आपको 6nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस पे देखने को मिलता है, और ये काफी ज्यादा कैपेबल प्रोसेसर है नॉर्मल डे टू डे लाइफ के टास्क हैंडल करने के लिए। और इसी के साथ आपको इसमें कलर OS 12 देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड 11 पे आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे 12 होता तो और ज्यादा मजे आ जाते हैं, जैसे कलर OS 12 और एंड्रॉइड 12 की मैचिंग तो मजे ही कुछ और होते हैं। प्लस मैंने इसमें काफी सारे टेस्ट रन करे हैं, CPU थ्रोटल टेस्ट किया है, अंधतु बेंचमार्क किया है, आपको ऑलमोस्ट 4.5 लाख के लगभग इसके स्कोर्स देखने को मिल जाते हैं। 95-96% CPU थ्रोटल है जो काफी कमाल का माना जाता है, तो यहाँ पे MediaTek की काफी कमाल की कारीगरी दिखती है। और चूंकि ये कलर OS 12 है तो आपको बहुत सारे इसमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है जिसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, और कस्टमाइजेशन करके आप डिस्प्ले पे ये भी दिखा सकते हो। और इसी के साथ आपको इसमें वर्चुअल रैम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 8GB तो खुद ओप्पो आपको प्रोवाइड करता ही है, और 5GB तक आप और एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब 13GB तक जा सकते हो, जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस जो है ना वो और ज्यादा एनहांस कर देगी। अगर इसमें आप पबजी खेलते हो तो आपको देखने को मिल जाएंगी HDR पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे अनलॉक्ड है, धीरे धीरे हो सकता है कि आपको और ज्यादा इसमें जो सेटिंग्स हैं वो देखने को मिले, लेकिन हाईएस्ट अभी के लिए HDR अल्ट्रा है। प्लस यहाँ पे जो हैप्टिक्स ऐड किए गए हैं वो रेनो 7 प्रो से थोड़ा सा कम, यहाँ पे थोड़े से स्प्रिंगी टाइप हैप्टिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, मतलब हैं लेकिन इतने कमाल के आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और अब मैं चलता हूँ इसकी डिस्प्ले पे, जहाँ पे आपको 6.4 इंचेस की एमोलेड पैनल देखने को मिलती है, और ये 90Hz की हाई रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिलेगी। और चूंकि एक सुपर एमोलेड पैनल है तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, और जो रिसेंसी क्वालिटी में आपको फास्ट देखने को मिलता है। और इसी के साथ इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की मैं आपसे बात करूँ तो आपको जो नीचे की चिन देखने को मिलती है वो थोड़ी अबाउ एवरेज बड़ी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो बेजल्स हैं वो आपको नॉर्मल से देखने को मिलते हैं, वहाँ पे काफ़ी कमाल एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। बाकी मैं बात करूँ इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की तो साइड व्यूइंग एंगल्स जो हैं वो कलर्स जो हैं वो सारे के सारे एकदम ऑन पॉइंट आपको दिखते हैं। और अगर आप क्वालिटी के बहुत ज़्यादा शौकीन हो तो आपको यहाँ पे वाइड वाइन L1 और HDR10 का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है, और ये आपकी आंखों को और ज़्यादा हार्म ना करे इसलिए आपको आई प्रोटेक्शन भी इसमें देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी कमाल की क्वालिटी ऐड करता है। प्लस यहाँ पे आपको एयर जेस्चर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जैसे आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप फेसबुक यूट्यूब वगैरह यूज कर रहे हो तो सिंपली आप अपने हाथ से स्क्रॉल कर सकते हो ऊपर से बिना टच किए, अब कितना यूजफुल है आई डोंट नो। प्लस कुछ स्पेशल तड़के वाले फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको NFC, Wi-Fi 6, 3.5mm जैक, और जब तक 5G नहीं आ जाता तब तक आपको 4G प्लस देखने को मिलता है, मतलब कैरियर एग्रीगेशन, इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। प्लस 4500 mAh की बैटरी है, मतलब यार इतने से फॉर्म फैक्टर में काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, और 65 वोट की आपको सुपर वोक इसमें चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जो महज 31 मिनट्स में आपके फोन को 0-100% चार्ज कर सकती है। अब ओवरऑल एक कंक्लूजन की बात करूँ कि कैसे आपको इसको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो 8GB 256GB मतलब टॉप एंड वेरिएंट या फिर नीचे वाला जो भी बोल लो, आपको एक ही आपको स्टोरेज एंड रैम वेरिएंट देखने को मिलता है, और ये आपको देखने को मिलेगा 28,999 रुपीज़ में, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में दोनों तरफ ही आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं काफ़ी कमाल के,
तो दैट्स ऑल यार, यही है कहानी पूरी इसी ओप्पो रेनो 7 की। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि अपना एक बंधन पूरा स्थापित हो सके। तो तक के लिए बाय बाय।